Hello everyone, I'm Dr. Lavina Singhal, periodontist and implantologist at Anandam Hospital, Siliguri. So today we'll be talking about mouth sores and oral cancers. माउथ सोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं. सबसे पहली है आपके एप्थिस अल्सर, जो अल्सर्स हमारे मुंह में हो जाते हैं. उसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो है आपका स्ट्रेस. वो स्ट्रेस इंड्यूस बहुत ज़्यादा होता है. बाकी और रीजंस है आपके वाइटामिन डेफिशिएंसीज या कोई ब्लड में प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिन कम होता है उसके वजह से होता है. न्यूट्रिशन अच्छा से नहीं खाते, खाना अच्छे से नहीं खा रहे हो, न्यूट्रिशन सब बॉडी में नहीं जा रहे उसके वजह से होता है. मेडिकेशंस के वजह से होता है, कुछ मेडिकेशंस जो लेते हैं हम. बाकी आपके दांत से कोई इरिटेशन होता है कहीं पे, या ऑर्थो जो हम क्लिप लगाते हैं उसके वजह से इरिटेशन होता है. तो ये सब चीज़ों की वजह से आपको अल्सर्स हो सकते हैं मुँह में. अल्सर्स यूजुअली अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर 2 वीक से ज़्यादा वो लास्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने डेंटिस्ट को जाके दिखाइए. सेकेंड बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो है आपके कोल्ड सोर्स, जो आपके हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो हम बोलते हैं उसके वजह से होते हैं वो सब चीज़ें. और बेसिकली आपके माउथ के जो एंड है, जो लिप्स के एंड है, वहाँ पर आपको अल्सरेशंस जैसे बन जाते हैं. और ये कंटेजियस होते हैं, लाइक ये फैलते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलते हैं ये चीज़ें. तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा. और अगर आप देखते हो कोई अल्सरेशंस आपके लिप्स या अराउंड या लिप्स हो रहे हैं तो प्लीज़ आके डेंटिस्ट को एक बार दिखा दीजिए. थर्ड है आपका कैंडिडियासिस, जो है आपके फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो होता है. तो ये बहुत ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स में देखा जाता है, नहीं तो बच्चों में देखा जाता है, नहीं तो आपके जो डेंचर्स जो पहनते हैं जो उस पेशेंट्स में देखे जाते हैं. तो ये वाइट क्रीमी पैच जैसे होते हैं पूरे मुंह में. और अगर आपको ऐसा कुछ पैच जैसा मुंह में दिख रहा है, जो क्रीमी पैच है, थोड़ा सा उठा हुआ क्रीमी पैच है, तो प्लीज़ एक बार आके अपने डेंटिस्ट को दिखा लीजिए. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ओरल कैंसर्स की तरफ. अब ओरल कैंसर्स जो हमको पता है, या तो टोबैको, बहुत ज़्यादा टोबैको यूज़ करने से होते हैं, या बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन, जो बीटल नट्स वगैरह खाते हैं उनको, तो काफ़ी ये सब चांसेस बढ़ा देते हैं आपके ओरल कैंसर्स के. अब ओरल कैंसर्स भी आपके 2 टाइप के होते हैं. एक होता है प्री मैलिग्नेंट लीजन, मतलब वो फैलता नहीं है लेकिन आपको हिंट मिल जाता है कि मेरी बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम है. तो अगर आपके मुंह, सपोज़ आपके मुंह पूरी तरह से खुल नहीं रहे हैं, मुंह खुलने में जो प्रॉब्लम होती है, तो एक वो एक रीज़न है, वो आप एक सिम्टम है कि आपको प्री मैलिग्नेंट लीजन हो सकता है. नहीं तो आपके मुंह में जो वाइट या डार्क पैचेस कुछ मुंह में होने लगे, तो आपको थोड़ा, अगर आपको एक ये कर रहे हैं, सपोज़ आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं या टोबैको खाते हैं, तो एक चांसेस है कि आपको प्री मैलिग्नेंट हो सकते हैं. मतलब मैलिग्नेंट मतलब जो फैलती है, जो कैंसर फैलती है, उससे पहले जो लीजन्स होते हैं उसको प्री मैलिग्नेंट बोलते हैं. तो कुछ कुछ अगर आपको सिम्टम्स थोड़े बहुत दिख रहे हैं कि मुंह खोलने में प्रॉब्लम, वाइट पैचेस, रेड पैचेस मुंह में, ब्लूइश पैचेस हो रहे हैं मुंह में, तो ये सब चीज़ें हो सकती है कि आपको प्री मैलिग्नेंट लीजन्स हो सकते हैं. तो प्लीज़ आके एक बार चेकअप करवा लीजिए. नेक्स्ट है मैलिग्नेंसी, जो आपके एक्चुअली ओरल कैंसर्स होते हैं, जो एक्चुअल वाले ओरल कैंसर्स होते हैं. इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके सोरनेस रहेगा, सोर्स होंगे मुंह में, अल्सरेशंस होंगे बहुत ज़्यादा जो ठीक नहीं होंगे. सेकेंडली बहुत रेडिश रहेगा मुंह आपका, बहुत काइंड ऑफ थोड़ा सा लाल रंग का हो जाएगा. नहीं तो जलन होने लगेगी मुंह में, खाने में दिक्कत आने लगेगी, स्वॉलोइंग में, चूइंग में, हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगी. आपका बाइट जो है, जैसे नॉर्मली आप बाइट करते हो तो वो बाइट चेंज होने लगेगा थोड़ा. तो ये सब अगर प्रॉब्लम्स आपको थोड़े बहुत दिख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार आके चेक करवा लीजिए. चेक करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ का सलूशन है. अगर हमें अर्ली स्टेज में पता चल जाती है चीज़ें तो उसको ट्रीटमेंट करना बहुत आसान हो जाता है. सो अभी बस ये कोरोना के टाइम पे मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ बस अभी घर पे रहिए और सेफ रहिए. और थैंक यू सो मच, आपने इतने 5 सेशंस को मेरे अच्छे से आपने सुना. सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड लक. थैंक यू.